रामगढ़ताल थाना की पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस 3 शातिर नकबजन चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में चोरी के सामान बरामद किए हैं। आपको बता दें, चोरी और नकबजनी की घटनाओं का अनावरण करते हुए CO कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि रामगढ़ताल पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में चोरी के सामान बरामद किए हैं। पकड़े गए शातिर अपराधी अब्दुल पुत्र सहामत अली उर्फ गुड्डू निवासी रानीबाग पथरा थाना रामगढ़ताल, इरफान पुत्र इकबाल अली बड़गो थाना रामगढ़ताल, अशोक निषाद पुत्र रामजतन निवासी कजाकपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के निवासी हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी के लैपटॉप, LED टीवी, मंगलसूत्र, कंगन, पायल और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, रामगढ़ताल में 3 शातिर नकबजन जो हैं पकड़े गए हैं। इसी के संबंध में पीसी की जा रही है। पिछली अभी 2 चोरियां इसी लॉकडाउन के दौरान हुई थी, अच्छी चोरियां हुई थी, जिसमें काफ़ी घरों का सामान और कुछ ज्वेलरी वगैरह गई थी। उस संबंध में इनसे बरामदगी की गई है, जिसमें इनसे लैपटॉप, LED, टुल्लू पंप, मंगलसूत्र, पीली धातु के कंगन आदि सब बरामद किए गए हैं। ये 3 शातिर चोर हैं, इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास भी रहा है, और जितना आपराधिक इतिहास है सब नकबजनी का ही इतिहास है। इसमें जो मुख्य है अब्दुल पुत्र सहमत अली, इसके ऊपर 7 मुकदमे पंजीकृत हैं और ज़्यादातर मुकदमे इस पर नकबजन के ही पंजीकृत हैं। बिल्कुल, ये अभी इसमें जो उनसे अभी जो खुली हैं, ये दोनों चोरियाँ अभी इसी जो लॉकडाउन के दौरान ही दोनों चोरियाँ हुई थी, बंद घरों में चोरियाँ हुई थी, उन्हीं चोरी का सामान सब बरामद किया गया है। बाकी पूर्व के इतिहास से तो और जो थाना क्षेत्र में वहाँ भी सूचना दी गई है, इनका CDR और डाटा खंगाला जा रहा है कि इन दोनों और इस थाना क्षेत्र के इतर कहाँ कहाँ किया है उसकी जांच की जा रही है। चोरी के सामानों को कई लोगों को ये चूतिया बना के बेच देते थे कि गांव में जाके कहीं टुल्लू 1000 रुपये में बेच दिया, LED किसी को 2000 में बेच दिया, गाँव में जो सीधे साधे व्यक्ति मिलते थे उनको कम दामों पर ऐसे ऐसे सामान बेच देते थे। उसमें भी 1-2 लोग पकड़े गए, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उनकी ऐसी कोई संलिप्तता नहीं आई है। वो लोग एक गांव के लोगों को, सीधे साधे लोगों को बहुत ही कम दामों में वो चीज़ दे दिया करते थे। नहीं नहीं, ये प्योर रामगढ़ ताल इंस्पेक्टर उनके एक उपनिरीक्षक है कमलेश यादव, उनके नेतृत्व में ही पूरी टीम रही, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और ये प्योर रामगढ़ ताल थाने का ही गुड वर्क है।